हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 21 ऑन पेज 90 क्लास 7 आरएस अग्रवाल में चैप्टर 5 का एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 21 पेज नंबर 80 आरएस अग्रवाल मैथ क्लास 7 है ना, क्लास 7 आरएस अग्रवाल मैथ चैप्टर 5 का। एंड द एग्जांपल इज 9^n इंटू 3^2 इंटू 3^n माइनस 27^n अपॉन 3^3 होल पावर 5 इंटू 2^3 इज इक्वल 1/27। ये इसके इक्वल दे रखा है तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ कहीं भी x नहीं है, अगर आपको x लग रहा हो कहीं पर तो वो n है ना, मेरा n थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है इसलिए मैंने बता दिया, कहीं भी पूरे सवाल में x यूज नहीं हुआ है, तो जो कहीं भी आपको अगर x कंफ्यूज तो समझना वो n है। ओके चलिए करते हैं, तो पहले तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो पहले इसके लिए आपको एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर n इंटू b की पावर n हो तो क्या हो जाता है a इंटू b की पावर n। मैं बहुत छोटे तरीके से कर देता हूँ सवाल को, एक तो बुक में है ही, मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। तो a इंटू बी की पावर होल एन हो जाता है ना, ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेते हैं कैसे। यहाँ देखो, चलो मैं एक लाइन ज्यादा लिख लेता हूँ, ये क्या है देखो 9^n इंटू 3^n, 9 को 3 के साथ लिख लिया, दोनों की पावर सेम है, इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 क्या हो गया 9, तो 3 के स्क्वायर की जगह मैंने 9 लिख लिया, माइनस 27^n इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, यहां तक क्लियर। अपॉन पावर की पावर हो तो क्या होता है, पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है, तो 5 × 3 = 15 तो ये हो गया 3^15। ओके इंटू 2^3, 2 × 2 × 2, 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल, 2 × 2 = 4, 2 = 8 इक्वल में क्या है 1/27। ओके अब देखो ये 9 की पावर n और 3 की पावर n है तो वही वाला आइडेंटिटी लगाते हैं फॉर्मूला, a^n इंटू b^n a इंटू b की होल पावर n। ओके तो यहां पर हम ये लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 9 × 3^n इंटू 9 माइनस 27 की होल पावर n अपॉन डिनोमीटर को सेम h इट उतार लीजिए 3^15 इंटू 8 इज इक्वल 1/27। ओके 9 × 3 = 27 हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये मैंने आपको समझाने के लिए, अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो तो एक लाइन बढ़ी है कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ गया मन, हम इसके बाद हम डायरेक्ट 90 क्या लिख सकते थे इसे जो आप लिख रहे हैं 9 × 27^n इंटू 9 माइनस 27^n अपॉन 3^15 इंटू 8 इक्वल में, जो है इक्वल में कुछ नहीं करना, सेम उतारना है। अब कॉमन लेना आना चाहिए आपको, आपको कॉमन लेना आता नहीं आता है, कहीं पर लिखाओ एक्स की पावर 5 वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो जो सेम हो दोनों में कॉमन आया था, एक्स की पावर 5 दोनों में कॉमन है तो वाई माइनस जेड स्क्वायर आ जाता ना, और जी कोई जरूरी सेम कम भी आ जाती है ना, लेकिन यहाँ सेम है तो मैंने सेम वाला एग्जांपल देके समझा दिया आपको। यहाँ क्या 20^7n माइनस 27^n तो कॉमन आ जाएगा, तो इसको हमने कॉमन ले लिया 27^n ले लिया कॉमन। अब इस वाले फर्स्ट टर्म में से ये तो बाहर चला गया, कॉमन का तो बाहर चला गया, तो क्या बचा यहाँ खाली n, और ये पूरा बाहर चला गया, बंद तो सबके साथ होता है ना, तो यहाँ क्या बचा -1। क्लियर ना, बस अभी सवाल होने को है, बस थोड़ा सा ही रह गया है। 3^15 इंटू 8 इज इक्वल 1/27। ओके अब यहां देखिएगा ये क्या हो गया 27^n 9 में से 1 सबट्रैक्ट करा कितना बचा 8 अपॉन में 8 है ही, और 3^15 को सामने ले आए, चलो अगले स्टेप में ले जाएंगे, रहने दो 1/27, 8 से 8 कैंसिल, ये तो हम जानते हैं फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। ओके अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 27 की पावर n और ये क्रॉस मल्टीपल इनटू 27 ही आ जाएगा, और 3^15 3
रेस टू द पावर 15 का वनमा मल्टीप्ली करा तो ये आ गया। ओके अब ये भी आपने रूल पढ़ा हुआ है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हो तो ये क्या हो जाता है, ए की पावर एम प्लस एन। ओके क्लियर ना, वही रूल हमने यहां लगा दिया। ए की जगह 27 कुछ नहीं है यानी कि पावर क्या 1, तो क्या जाएगा 27 की पावर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, एन प्लस 1। और ये 3 की पावर क्या है 15, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 27 क्या होता है 3 × 3 × 3। एक्चुअली किसी ने पूछा इसलिए मुझे बनाना पड़ा रात में, तो आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी है ना, लेकिन किसी ने पूछा है तो उसको भेजना भी जरूरी है भाई। तो 3 × 3 × 3 हो गया 3 की पावर 3, तो इस 27 को हम लिखते हैं 3 की पावर 3। और इसकी भी पावर क्या है एन प्लस 1 इज इक्वल 3 raised to the power 15। अब एक याला फॉर्मूला ए रेस टू द पावर एम की होल पावर एन, अभी था पावर का पावर में मल्टीपल हो जाता है तो ये क्या होता है ए की पावर एम इंटू एन, जानते हैं आप सेम यहां है 3 की पावर 3, इसकी पावर क्या एन प्लस 1, तो 3 का मल्टीपल एन प्लस 1 में होगा तो ये क्या जाएगा 3 raised to the power 3 का मल्टीपल एन में करा 3n और 3 का 1 में करा 3 इज इक्वल 3 की पावर 15। बस हो गया, तो दिस इंप्लाइज जब दो एक्सपोनेंट इक्वल हो, अगर उनके बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होती है, अगर पावर इक्वल देखो तो बेस को बेस के इक्वल लिख देते हैं, जो चीज हमें अनफाइंड हो जिसको अननोन नंबर हो उसको निकालना है, तो पावर दोनों को इक्वल रख दीजिए सो ये आंसर आ जाएगा, तो 3n + 3 इज इक्वल 15। 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ट्रांसपोज कर रहे हैं हम प्लस 3 को राइट हैंड साइड में, सॉरी माइनस होगा ये ना, 15 - 3 प्लस का 3 दे गया तो माइनस, तो इसको यहां कर देता हूं मैं 3n 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करे तो 12, तो n इज इक्वल 12/3, 3 से 12 4 बार कैंसिल तो वैल्यू ऑफ n इज 4। ओके तो मुझे उम्मीद है जिसको भी प्रॉब्लम है सवाल में ये देखने एग्जाम्पल में अलग तरीके से देखा है, मैंने थोड़ा अलग तरीके से कर दिया है, और मैथ के सवाल आप कैसे भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं है, है ना, आंसर सेम आता है बस सही होना चाहिए। तो आंसर इज कितना हो गया n, द वैल्यू ऑफ n इज 4, ठीक है ना। तो आपकी जो भी डाउट हो आप इसी तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरी कोशिश होगी उसी दिन सॉल्व हो जाए, वरना नेक्स्ट डे आपको जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके अपना मन लगा कर पढ़ाई करिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।